आर्टिस्ट हैं तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के। दोस्तों ज्यादातर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में इंटीमेट सीन्स करना जरूरी होता है, लेकिन शूटिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई मर्तबे अभिनेता शूटिंग के दौरान अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और निर्देशक के कट बोलने के बाद भी अभिनेत्रियों को छोड़कर अलग नहीं होते। कई बार अभिनेत्रियों ने खुद इन वाक्यों के बारे में जानकारी दी है। कई बार अभिनेत्रियों ने अभिनेताओं के साथ काम करने से मना कर दिया और बाद में अभिनेता और डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी। और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको ऐसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आखिर कौन सी है वो अभिनेत्री, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नजर आई थी और इसी के एक रेप सीन के मामले में वो पूरी तरह से सहम गई थी। आपको बता दें कि दरअसल यहाँ बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलन के रूप में रंजीत थे। अब विलन के रूप में रंजीत है तो आप समझ गए होंगे कि माधुरी का डरना तो जायज था, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को जब डायरेक्टर ने इस सीन के बारे में बताया तो वो सहम गई थी। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की जरूरत थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। माधुरी दीक्षित डरी हुई थी और उन्होंने विलन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया था कि मुझे हाथ भी मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती की थी और वो तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विनोद फिल्मों के सीन इतने दिल से करते थे कि कभी कभी लगता था कि सब कुछ सचमुच हो रहा है। इस वजह से कुछ हीरोइंस उनके साथ रोमांटिक सीन करने से डरती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमांटिक सीन करते हुए विनोद खन्ना अक्सर बेकाबू हो जाते थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। खबरों के मुताबिक फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन देते हुए विनोद इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने माधुरी के होंठ तक चबा डाले। फिल्म रिलीज के बाद इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना हुई थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसे अभिनेताओं को ऐसी जबरदस्ती सीन्स करने पर सजा देनी चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।